प्रेसर और सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपने तो जान ही लिया होगा कि हम किस बारे में आज बात करेंगे, टाइटल पर देख लिया होगा। तो फिर मैं वचनों को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें बताऊंगा जिस चीज़ पर हम लोग ज़्यादा गौर करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जो कि हमें अनंत जीवन मिलता है, उस चीज़ को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सबसे पहले मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जो हुआ है अभी फिलहाल, जो अपना जाने की जो एप्लीकेशन है, सरकार ने सबसे पहले संदेश दिया कि उस चीज़ को बैन कर दियो करके, बैन लगाने के लिए सबसे पहले उसने संदेश दिया। और सारे ट्विटर पर, सोशल नेटवर्क पर उसने एक पोस्ट करके रखा कि इस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल करें करके, जो कि चाइना की एप्लीकेशन है। तभी लोगों ने क्या किया, उस चीज़ को पहले से ही जानते थे कि हम गलत कर रहे हैं, चाइना की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब जब संदेश आया, दबाव जब आया तभी उन्होंने बैन कर दिया और कई सारे लोगों ने अनइंस्टॉल भी कर दिया। आज इसी तरह ही हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, जैसे कि हम गलतियां करते हैं, पापों पर पापों करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमको संदेश दिया जो कि हम देखते हैं माती के सुसमाचार 4:17 में। उस समय से प्रभु प्रचार करने और यह संदेश सुनाने लगे, हृदय परिवर्तन करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इस वचन को लेकर हम थोड़ा समझेंगे। जब यीशु मसीह कहते हैं कि उसका राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तो हमारा दिल को अभी अनइंस्टॉल करना चाहिए जो कि पुरानी चीज़ें भरी हुई है, जो कि गंदी चीज़ें हैं। जैसे कि सरकार ने एक लिस्ट बना के दिया कि ये सब चाइना की ऐप्स हैं, जो कि पॉइंट डिवाइस के हिसाब से है। हमारे यीशु मसीह भी अपना, हमारे लिए, आत्मिक जीवन के लिए, जो कि हमें आनंद जीवन देना चाहता है, उस चीज़ों के लिए भी वो हमारे लिए बता के रखा, जो कि अंदर से निकाल करके हम पाप करते हैं, जो गलत करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मत्ती किताब 15:19 में, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री, गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, ये सब मन से निकालते हैं। तो फिर हमारे जो मन से निकालने वाली चीज़ें हैं उसको हम लोग अभी अनइंस्टॉल करेंगे। जैसे कि जो शारीरिक चीज़ों पर हम लोग ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उस चीज़ों को, मैसेज को फॉरवर्ड करते हो करते वक्त बिताते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग परमेश्वर की ओर से बढ़ेंगे। अपने जो इस चीज़ों पर देखा हमने मत्ती की किताब 15:19 में, हमारे अंदर जो बुरे विचार होता है, हत्या करने की सोच, गुस्सा होने पर, जब व्यभिचार करने की सोच, परस्त्री का मन, मतलब लड़कियों के पीछे जाना, व्यभिचार, गंदी सोच, चोरी पर लालच में पड़ना, झूठी गवाही, किसी के बारे में झूठी गवाही देना और निंदा करना, ये सब हमारे मन से निकलता है। उस चीज़ों से हम दूरी रहें, उस चीज़ों को हम अनइंस्टॉल करें ताकि हमें अनंत जीवन मिलेगा। और जो भी सरकार ने बोला इसको अनइंस्टॉल करो करके, तभी कई सारे लोग इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन मैं इसका खिलाफ नहीं हूँ, ये सही है, लेकिन हम आत्मिक जीवन के लिए भी हमें अनइंस्टॉल होना चाहिए। क्या क्या हमें अनइंस्टॉल होना चाहिए, आपने तो पढ़ लिया होगा। और हम जब इसको अनइंस्टॉल करते हैं तो फिर हमको क्या प्रॉफिट होता है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट के कुछ तो प्रॉफिट होगा, तभी तो उसने इस एप्लीकेशन को बंद करने के लिए बोला। तो फिर हमारे लिए भी कुछ तो, इस मसीह हमारे लिए तो कुछ तो प्रॉफिट रखा होगा, तभी तो ये सब बोला। जैसे कि हम पेरितों के काम 3:19 में देखते हैं, अतः आप पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास लौट आए जिससे आपका पाप मिट जाए। इसलिए हम परमेश्वर के पास लौट आए और हमें क्या फायदा हो रहा है, आपका पाप
क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। इससे हमारा पाप धुलेगा जब हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, इन चीज़ों को अनइंस्टॉल करेंगे अपने दिल से। मोबाइल की एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने से आपका पाप धुलेगा नहीं। जैसे कि आपके मोबाइल पर क्या है और कैसी कैसी चीज़ें हैं सिर्फ आप ही जानते हो, और वैसा ही हमारे हृदय में क्या क्या चीज़ें हैं, हमको क्या अनइंस्टॉल करना चाहिए, क्या इन सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर, उसको अनइंस्टॉल करना चाहिए। तभी जा कर के हमें वो पुरस्कार मिलेगा जो कि कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में, सिर्फ अकेला यीशु मसीह दे सकता है। सिर्फ ये सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियनिटी लोगों के लिए नहीं है, ये पूरी जगत के लिए है। क्योंकि यीशु मसीह पूरी जगत के लिए मरा था, अपने प्राण दिया था सारे लोगों को पाप क्षमा करने के लिए। इस वचन को आप यीशु मसीह आने तक अपने दिल में बसाए रखें, दूसरों को भी सुनाएं। इस वचन से आपको आशीष मिले और हम सभी खुश रहें यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।